जो नेक्स्ट है अपन लोगों का कैल्शियम। तो कैल्शियम में क्या है बेटा, कैल्शियम यह भी हमारे फूड मटेरियल में पाया जाने वाला इम्पोर्टेंट फाइबर है। इस इम्पोर्टेंट फाइबर में क्या डिसीज़ कौन सा होता है, बोन एंड टूथ डिके, बोन जो है और टूथ के टीथ की जो समस्याएं हैं वह पैदा होती हैं कैल्शियम की कमी की वजह से। सिम्टम्स कौन कौन से दिखाई दे सकते हैं, वीक आपका बोन हो सकता है, बोन वीक हो सकते हैं और दांत सड़ सड़ के टूट सकते हैं। तो ये समस्याएं यदि होते हैं तो आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी है, इस चीज़ को आप समझिए। नेक्स्ट है आयोडीन की कमी। आयोडीन की कमी यदि हो जाती तो कैसे पता चलेगा कि हमारे खाने में आयोडीन की कमी हो गई है, कैसे पता चलेगा बेटा, आपका जो नेक है ये स्वेल करने लगता है, फूलने लगता है और इससे क्या हो जाती है, मेंटल डिसेबिलिटी हो सकती है चिल्ड्रंस में, बच्चों में यदि आयोडीन की कमी की जाए तो मेंटल डिसऑर्डर की समस्या पैदा हो सकती है, पागल हो सकता है वो बच्चा। तो इसकी वजह से आपके खाने में आयोडीन की कमी नहीं होनी चाहिए। और लास्ट वन में देखिए आयरन, तो आयरन क्या है, जो एनीमिया है, लॉस ऑफ ब्लीडिंग है, इसकी वजह से कौन सी समस्याएं पैदा हो सकती हैं, वीकनेस जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। और वीकनेस जैसी समस्याएं पैदा होंगी तो वीकनेस जैसी समस्याएं पैदा होने की वजह से आप ज़्यादा चल नहीं पाएंगे, साथ ही ज़्यादा चलने बस की बात नहीं है, आप लोगों को चक्कर से आएगी, चक्कर से आते आते आप जो है थोड़ा सा इरिटेशन फील करेंगे। तो हमें कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए इसके बारे में आप थोड़ा सा लिख लीजिए। विटामिन ए में, विटामिन ए के जो आपका सोर्स है बेटा, विटामिन ए के लिए आपको मिल्क पीनी चाहिए, पपाया पीनी चाहिए और कैरेट खाने चाहिए, तो और मैंगोज़ खाने चाहिए। तो मैं दो तीन चीज़ों को आपको लिख देता हूँ, सोर्स क्या है यहाँ और आपको खाना क्या है। सोर्स में क्या है, पपाया खाइए आप विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए। दूसरा क्या है, कैरेट खाइए आप विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए। मैंगो खाइए, मैंगो का सीज़न चल रहा है, बिल्कुल खाइए आप इसको। और नेक्स्ट क्या है, मिल्क पीजिए। ओके, तो इनको आप लोगों को कमी नहीं करनी है, याद रखिए। ओके ओके, नेक्स्ट देखिए विटामिन बी की कमी को पूरा करने के लिए इसके सोर्स क्या हैं, तो मैं यहाँ सोर्स वाले साइड पे लिख देता हूँ। इसके लिए आपको रोटी खानी है, अच्छी मात्रा में रोटी खाइए, चावल खाइए, राइस खाइए, यानी कि चावल खाइए अच्छे से। और इसके बाद क्या है, मीट, लीवर, इससे आप लोगों की विटामिन बी की समस्या नहीं होगी। विटामिन सी की समस्या को पूरा करने के लिए क्या खाना है आपको, ऑरेंज खानी है बेटा, टोमेटो खानी है, लिख देता हूँ हम ऑरेंज, देन टोमेटो, और क्या हो सकता है, टोमेटो के साथ साथ आंवला और लेमन भी हो सकता है। ओके, आंवला एंड लेमन। विटामिन डी की जगह पर क्या आ सकते हैं बताइए, विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए आपको खाना पड़ेगा एक फिश और लीवर, एक फिश एंड लीवर। कैल्शियम खाने के लिए, कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए क्या चाहिए आपको, कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए आप लोगों को क्या खाना है बताइए, देख लेते हैं। यस, मिल्क और अंडे। कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए आप लोगों को खाना है, पीना है मिल्क, और दूसरा एक आपके खाने में शामिल हो। आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए तो आयोडीन ही लेने पड़ेंगे। आयोडीन की कमी के लिए आप सिंपल यूज़ कर सकते हैं जिंजर। ओके, अदरक, जिंजर। और आयरन की कमी को पूरा करने के लिए आप लोगों को हरे पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल, ये आप लोग यदि अपने खाने में शामिल करते हो तो ये क्या हो जाएंगे, खाने में यदि आप ऐसा शामिल करते हो तो यहाँ से ये इसका खाने में शामिल करते हो तो इन चीज़ों की समस्या आपको नहीं होगी। और इन चीज़ों की यदि समस्या नहीं होगी तो इन तरीके के जो डिसीज़ हैं वह आपके लिए बिल्कुल नहीं है, आपसे हमेशा ये डिसीज़ क्या रहेंगे, दूर रहेंगे। ओके, तो इसको ध्यान रखिए आप। गुड, ओके, इनको ध्यान रखिए आप, ठीक है। थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ रहे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच।